हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सुजन को पता चलता है कि कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और मिनसुक भी ये सब सुन लेता है। तो वो सुजन को ढूंढता हुआ रूफ टॉप पर जाता है, जहाँ पर सुजन उसे देखकर फेक स्माइल कर रही थी, पर मिनसुक जानता था कि वो रो रही है। मिनसुक उसे अपनी टाई ऑफर करता है, पर सुजन कहती है कि मैं रो नहीं रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनसुक बहुत ही गुस्से में था और वो टीम लीडर को ढूंढता हुआ सीधा प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ जाता है। टीम लीडर उसे बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। मिनसुक उसे कहता है कि वो हमारी फैमिली मेंबर है, ऐसे कैसे हम उसे अचानक से गुड बाय बोल दें? और आपने उसे क्या कहा कि हम तुम्हें पसंद करते हैं? क्या इस बात की कोई सेंस बन रही है? टीम लीडर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहते हैं। मिनसुक कैबिन वापस आकर सबसे पूछता है कि सुजन कहाँ है, तो एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि वो रिजाइन करके अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई है। मिनसुक सुजन को रोकने भागता है, पर उसे सुजंग नहीं मिलती। और फिर हमें पता चलता है कि जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो सुजंग को एक बुरा सपना आता है। ठीक ऐसे ही बचपन में सुजंग को अपने डैड का सपना आया था, जिसमें वो अपने डैड को आवाजें लगाती है पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। और देन इसके बाद सुजंग के फादर की डेथ हो गई। और फिर सुजंग का दूसरा सपना, जिसमें वो बिना रोप के ही जंप कर देती है। उसके बाद अब सुजंग की जॉब चली गई। मिनसुक सुजंग का मॉस प्लांट देखता है और उसे कॉल करता है, पर सुजन फोन नहीं उठाती। देन वो सुजन को मैसेज करके बताता है कि तुम्हारा मोस प्लांट ऑफिस में रह गया है। सुजन मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देती और वो अपनी शर्ट में फंस जाती है। मिनसुक सुजन की कॉल का वेट कर रहा था, तभी उसे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस बुलाते हैं एंड जिनवू और उसे एक साथ वाइट टावर मॉडलिंग का काम देते हैं। मिनसुक इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। एलिवेटर में मिनसुक जिनवू को सुजन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और उसे पूछता है कि अगर तुम्हारी टीम के एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया तो सुजन के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिनवो कहता है कि मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, बट स्टिल वो काफी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और अगर मुझे किसी वेकेंट जॉब के बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ऑफिस के बाहर हवान और ताइस्योक मिनसुक का वेट कर रहे थे और उन्होंने ली स्योक के कपड़े पहने हुए थे और वो मिनसुक को देखकर हाथ हिलाते हैं। ताइस्योक पूछता है कि ये कपड़े कुछ छोटे नहीं है? हवान कहता है कि कपड़े नहीं छोटे, तुम ज्यादा लंबे हो। तभी उन्हें वहाँ रिटेल टीम की लेडीज देख लेती हैं, तो वो उनसे बात करने लगते हैं। मिनसुक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और ये दो पागल इंसान उन्हें डिनर पर भी इनवाइट कर लेते हैं। मिनसुक को जबरदस्ती वाली स्माइल देनी पड़ती है, पर वो अंदर से बहुत ही परेशान हो गया था। डिनर पर लेडीज उनसे पूछती है कि आप क्या काम करते हो? ताइसो कहता है कि मैं चाइनीज रेस्टोरेंट का CEO हूँ, बल्कि असल में सिर्फ उसकी मॉम का एक छोटा सा चाइनीज रेस्टोरेंट है और ताइसो चाइनीज फूड डिलीवर करता है। हवान कहता है कि मेरा फिटनेस सेंटर है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ हॉकी ट्रेनिंग का एक विक्टिम है। मिनसुक को भी उनके साथ जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ती है, बल्कि उसका सारा ध्यान सुजन के मैसेज पर था। वो अपने साथ घर पर सुजन का मोस्ट प्लांट ले आता है। देन वो अपने रूम में ग्रैंडपा को देखता है जो उसकी आइस हॉकी पक से खेल रहे थे। मिनसुक उन्हें मना करता है क्योंकि इनसे उन्हें चोट लग सकती थी, पर ग्रैंडपा को तो ये चौकोबाई लग रही थी, तो वो पक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिनसुक मोस प्लांट को अपने टेबल पर रखता है और उसे बातें करने लगता है कि तुम्हारी ऑनर ने तो तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए तुम अब कुछ टाइम के लिए यहाँ रहो। देन वो प्लांट को बहुत ही अजीब तरीके से पानी देता है और फिर वो ग्रैंडपा के साथ खेलने चला जाता है। नेक्स्ट डे सुजन युहा को कॉमिक बुक पढ़ने की बजाय रेस्ट करने को बोलती है। युहा सुजन को काम पर जाने के लिए रेडी होने को कहती है। सुजन की बातों से तो ऐसे लगता है कि उसने युहा को अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं बताया। सुजन के काम पर जाने से पहले युहा उसे घर पर कुछ पैसे छोड़कर जाने को बोलती है ताकि वो फूड ऑर्डर कर सके। सुजन अपना वॉलेट चेक करती है और तकरीबन सारे पैसे वहाँ रख देती है और देन वहाँ से चली जाती है। अब सुजन घर से बाहर तो आ गई थी, पर उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए। देन वो ट्राई करती है द वन एंड द ओनली मेथड, जो है इनी मीनी मीनी मू कैच अ टाइगर बाय द टो डिंग डोंग डैंग इनी मीनी मीनी मू। दूसरी तरफ हवान और ताइसोक कल वाले डिनर और लेडीज के बारे में बातें करके मिनसुक को बहुत ही तंग कर रहे थे। मिनसुक उन्हें अपने साथ क्लास में ले जाता है, जहाँ पर सारा सर्कल फिर से रिपीट होता है। रिटेल टीम कंपनी ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। असिस्टेंट मैनेजर पार्क और सारे ट्रिप के लिए मना कर देते हैं। वो मिनसुक को बताते हैं कि प्रेसिडेंट इस वीकेंड बाइक राइड अरेंज कर रहे हैं। ये सुनते ही मिनसुक रेडी हो जाता है और उसे देखकर बाकी सब भी अपना फैसला बदल देते हैं। मिनसुक का ध्यान अभी भी सुजन पर ही अटका हुआ था। सुजन जॉब छोड़ने की कोशिश कर रही थी पर कहीं पर भी कोई बात नहीं बनती, तो सुजन अपने नूडल्स खाने लगती है। वहीं हम अपने ग्रैंडपा को देखते हैं जो सुजन के नूडल्स को देखकर कहते हैं कि सो यमी। सुजन उन्हें अपने नूडल्स ही देती है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। नूडल्स के बदले ग्रैंडपा उसे मिनसुक की पक दे देते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं, पर ग्रैंडपा तो अपना घर ही भूल गए। सुजन उनकी हेल्प करती है
ताकि उन्हें अपना घर याद आ जाए। तभी वहाँ मिंसू के डैड को ग्रैंडपा मिल जाते हैं और वो सूजन को थैंक यू बोलते हैं। ग्रैंडपा तो बस सूजन को बाय बाय बोल जा रहे थे। सूजन सोचती है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। ऑफिस में मिंसू दो एम्प्लॉयज की बातें सुन लेता है जो कह रहे थे कि जिनमू ने ही इनडायरेक्टली सूजन को फायर करवाया। मिंसू ये सुनकर शॉक हो जाता है और सीधा जिनमू के ऑफिस जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय जिनमू को अपना पेन देता है, पर वो उसका पेन फेंक देता है और अपने पेन से साइन करता है। मिंसू आकर उसे कहता है कि एक इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है और तुम अपने आप को समझते क्या हो। जिनमू कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और तभी जिनमू को मैनेजिंग डायरेक्टर की कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। मिंसू उसके पीछे पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि तुम एक डरपोक हो, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो। जिनमू को गुस्सा आ जाता है और वो इनडायरेक्टली बोल देता है कि हाँ, मैंने सूजन को फायर करवाया है और एक टेम्पररी एम्प्लॉय तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। मिंसू कहता है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और अगर तुमने मेरे टीम मेंबर्स को फायर किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिनमू कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। सूजन के कैफे में जाकर जॉब का पता करती है, बट उसे एज ज्यादा और एक्सपीरियंस कम होने की वजह से जॉब नहीं मिलती। रिटेल और प्रोजेक्ट टीम की मीटिंग होने वाली थी, बट मिंसू जिनमू के साथ काम नहीं करना चाहता था, तो वो टीम लीडर और जिनमू के हैंडशेक के बीच में से निकल जाता है। मीटिंग में जिनमू सजेस्ट करता है कि हमें कार्ड्स को हटाकर स्मॉल शॉप्स बनानी चाहिए। मिंसू कहता है कि उन लोगों का क्या होगा जो कार्ड्स पर चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं, और तुम्हें तो वैसे भी दूसरों के बारे में सोचने की आदत नहीं है। टीम लीडर हंसते हुए बात संभालते हैं। जिनमू कहता है कि तुम बहुत अनप्रोफेशनल हो क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन गोल प्रॉफिट कमाना है। मिंसू कहता है कि ये वीक लोगों के लिए अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि तुम वीक लोगों पर अटैक करने में काफी अच्छे हो। टीम लीडर बिस्किट से मिंसू का मुंह बंद करने वाले थे, बट मिंसू बिस्किट से उनका मुंह ही बंद कर देता है। सभी एम्प्लॉयज बाहर आकर चैन की सांस लेते हैं क्योंकि अंदर एटमॉस्फेयर बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था। मिंसू रूफ टॉप पर मुंह फुलाकर खड़ा था जब टीम लीडर उसे अपना मुंह बंद रखने को बोल रहे थे, तो मिंसू मुंह बनाकर हॉकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ से चला जाता है। मिंसू के एलिवेटर में एंटर करने से पहले ही जिनमू दरवाजा बंद कर देता है। मिंसू बाहर से उसे बहुत गालियां निकालता है क्योंकि उसे पता था कि जिनमू उसे सुन रहा होगा, और ऐसे करते मिंसू को और भी क्यूट लग रहा था। मिंसू को अपना सारा गुस्सा हॉकी ट्रेनिंग में निकालता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। मिंसू कहता है कि जिनमू में पसंद करने लायक है ही क्या, और ये सूजन तो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है। मिंसू उसे कॉल करता है पर सूजन उसके सामने ही आ जाती है और वो उसका फोन नहीं उठाती। मिंसू उस पर गुस्सा करता है कि तुम अपने डायरेक्टर की कॉल कैसे इग्नोर कर सकती हो और क्या तुम ठीक हो। सूजन कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाना भी अच्छी तरह खाती हूँ और सोती भी अच्छी तरह, और मुझे न्यू जॉब भी मिल गई है। मिंसू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, पर सूजन जल्दी में वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। मिंसू उसके पीछे जाता है और उससे बॉक्स ले लेता है। मिंसू उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें वो आदमी कैसे पसंद आ सकता है, और जल्दी से मेरे लिए नूडल्स लेकर आओ। सूजन मिंसू को देखकर बहुत ही खुश थी और इसके लिए नूडल्स लाती है। देन एक कस्टमर आकर कुछ सामान खरीदती है और वो सूजन को $5 देती है, पर जब सूजन उसे चेंज वापस करती है तो वो कस्टमर कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हें $10 दिए थे। सूजन उसे काफी समझाती है पर कस्टमर उसे थप्पड़ मार देती है। मिंसू ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और उसे कहता है कि अभी सूजन से सॉरी बोलो वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और इस लड़की को सॉरी बोलना ही पड़ता है। मिंसू उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सूजन उसे वहाँ से जाने को बोलती है पर मिंसू कभी भी बाहर खड़ा था। देन मिंसू को युवा की कॉल आती है जो उसे बताती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिंसू उसे ज्यादा चलने फिरने से मना करता है। कॉल कट करने के बाद युवा को अपनी सिस्टर का कंपनी कार्ड और कुछ सामान मिलता है। देन वो ऑफिस कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि सूजन की जॉब चली गई है। सूजन अपनी जॉब से फ्री हो जाती है और बाहर मिंसू उसका वेट कर रहा था, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उनका मिलना एक कोइंसिडेंस हो, और वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। सूजन बहुत खुश होती है पर फिर वो उसे मना कर देती है। मिंसू उसे और भी बहुत सारी ऑप्शंस देता है बट वो सबके लिए मना कर देती है। मिंसू उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूं, और फिर वो ताइसो की स्कूटी लेकर आता है सूजन को राइड पर ले जाने के लिए, पर सूजन का बिल्कुल मूड नहीं था। पर नेक्स्ट सीन में वो राइड को एंजॉय कर रही थी। ये दोनों अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं और राइड को बहुत ही एंजॉय करते हैं। सूजन कहती है कि डायरेक्टर आप बहुत वो हो। मिंसू कहते हैं कि क्या, मुझे जल्दी बताओ वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। सूजन कहती है कि आप बहुत क्यूट हो। ये सुनकर मिंसू बहुत ही खुश हो जाता है और वो सूजन से कहता है कि तुम भी ना वो हो डम्ब। मिंसू सारा टाइम बहुत ही खुश था। देन ये दोनों रिवर के साइड में आकर रुकते हैं और मिंसू सूजन को स्कूटी चलाने को बोलता है, और फिर वो सूजन को गिरने से बचा लेता है, पर सूजन की एल्बो से मिंसू को चोट लग जाती है। मिंसू उस पर गुस्सा करता है कि अगर तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती तो अकेले चलाने की जिद क्यों की थी। सूजन कहती है कि मुझे इस बाइक पर ना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू डायरेक्टर,
आप बाकी सीनियर से बहुत अलग हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, और आप फनी भी हैं। मिंसू को स्कूटी वापस करनी थी तो वो वहाँ से चला जाता है, और इस बार भी वो उसे उसका प्लांट वापस लौटाना भूल गया। बट वो कहता है कि चलो कोई ना, मैं उसे बाद में लौटा दूंगा। सूजन घर आकर देखती है कि पूरा घर साफ है, और वो युहा से पूछती है कि इस बार तुमने क्या किया, मुझे बताओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। युहा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रात को युहा अपनी सोती हुई सिस्टर से कहती है कि तुमने मुझे अपनी जॉब के बारे में क्यों नहीं बताया, और आप सारा दिन कहाँ थी। और फिर वो सूजन को हक कर लेती है, और सूजन भी उसे जोर से हक कर लेती है। सुबह मिंसू उठते हुए वासी लेता है, और डैड उसके मुंह में अपनी उंगली डाल देते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग है। मिंसुक उसे झूठ बोल देता है कि हाँ, पर डैड को उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। मिंसुक अपने रूम में जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा मोस प्लांट के पास बैठे हुए थे, और वो जिद करते हैं कि वो ये प्लांट उस प्रीटी लेडी को देंगे जिसने उनकी हेल्प की थी। यहाँ पर ग्रैंडपा सूजन की बात कर रहे थे। मिंसुक कहता है कि आप ये किसी को नहीं दे सकते, इसका ऑलरेडी एक ऑनर है। इस बात पर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। मिंसुक सोचने लगता है कि ये प्रीटी लेडी कौन है। सूजन मिंसुक के आइस हॉकी पक पर स्माइली ड्रॉ करी थी। युवा उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी आइस हॉकी खेलता है, और ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो आप आकर खाना खा लो। सूजन दोबारा उसे पूछती है कि तुमने क्या किया, तुम मुझे बता सकती हो। युवा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और आप जल्दी आकर खाना खा लो। दूसरी तरफ सारे कंपनी एम्प्लॉइज बाइक राइड के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट भी पहुँच गए थे। सब रेस स्टार्ट होती है। जिनवो और मिंसुक एक दूसरे को फिर से टीज करने लगते हैं, और मिंसुक आगे निकल जाता है और फाइनली रेस जीत जाता है। काफी वेट करने के बाद जिनवो वहाँ पहुँच जाता है, और फिर बाकी एम्प्लॉइज भी धीरे धीरे वहाँ आ जाते हैं। मिंसुक के फर्स्ट आने पर प्रेसिडेंट उसकी टीम को $1,000 कैश प्राइज देते हैं, और ये सुनकर मिंसुक बहुत ही खुश हो जाता है। वॉशरूम के बाहर जिनवो को मिंसुक मिलता है, जो उसे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा चाइल्डिश निकले। मिंसुक फिर से सूजन की बातें करने लगता है। जिनवो उसे कहता है कि तुम कब तक सूजन के बारे में ही बातें करते रहोगे, और ऐसा लगता है कि शायद सूजन लड़कों को फंसाने में काफी माहिर है। ये बात सुनकर मिंसुक जिनवो को मारता है, और फिर जिनवो उसे मारता है। देन इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दो आदमी आकर उन्हें रोकते हैं, पर फिर भी मिंसुक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। नेक्स्ट सीन में मिंसुक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा सूजन को देख रहा था, और उसे जिनवो की बातें याद आ रही थी, पर फिर वो वहाँ से चला जाता है। क्या ये सब फेरोमोन्स की वजह से हो रहा था। नेक्स्ट डे ऑफिस में जिनवो और मिंसुक फिर से मिलते हैं, और प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों के चेहरे पर ये क्या हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों में फाइट हुई हो। मिंसुक और जिनवो दोनों अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं। एलिवेटर में प्रेसिडेंट व्हाइट टावर मॉडलिंग के प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, जिसपे दोनों यही जवाब देते हैं कि उन्हें अभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। अपने कैबिन में जाते टाइम मिंसुक एक एम्प्लॉय को सेक्रेटरी कहते सुनता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो भागकर सूजन के पास आता है और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है। सब मिंसुक का वेट कर रहे थे। मिंसुक सूजन के साथ रूम में एंटर होता है, और सबको बताता है कि आज से सूजन मेरी सेक्रेटरी है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, see you again.